आज कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो। अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने भी बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलिया वाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या होता है? तुम्हारे पास इसे आजादी मिल जाएगी जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर गुड ह्यूमन बींग, बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख के दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। मैं जब 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा? कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। भगत सिंह, योर लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? नहीं पाया जरा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पार लेकर।